दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और अब बात करते हैं आज की अजीब लेकिन सही खबर की। घुसपैठ के लिए पागल बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। जी हां, खुफिया ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में आतंकी भेजने का नया प्लान बनाया है। इसके लिए ISI 10 से 15 साल के लड़कों की मदद से भारत की सीमा में घुसपैठ करा रहा है, जिसमें पागलपन की हरकत करने वाले लड़के भी शामिल हैं। इसके लिए ISI अपने हेडक्वार्टर में भारत के अंदर रेकी करने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें लड़कों को पागल, गूंगे और बेवकूफों जैसी हरकत करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने इस वर्ष अनजाने में पाक सीमा पार करके आए 25 बच्चों की पड़ताल के बाद इस आशय की गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि कम उम्र के लड़कों और पागल जैसी हरकत करने वाले लड़कों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए आतंकी के आगे गाइड का काम करवाते हैं। खुफिया एजेंसियों ने इस साल 25 पागल और छोटे लड़कों को पकड़ा है। पकड़े गए लड़कों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनको ISI, पाक आर्मी और आतंकियों के हैंडलर्स जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात बॉर्डर में घुसपैठ कराने के लिए बाकायदा नक्शों और जगहों की जानकारी और उसकी ट्रेनिंग देते हैं। यही नहीं, जिस एरिया में घुसपैठ करके जाना है इन लड़कों को उस इलाके की भाषा भी सिखाई जाती है, जिससे अंदर घुसने के बाद कोई इन्हें पहचान न सके। खुफिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि ऐसे पागल और अनजान लड़कों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत की आर्मी और उसके मूवमेंट की जानकारी भी हासिल करने में जुटा है। अब तक कितने लड़के अनजाने में नाटक करके बॉर्डर क्रॉस करने के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तान वापस चले गए हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, ISI सिर्फ लड़कों से ही जासूसी नहीं कराता, बल्कि फर्जी पागल बनी महिलाओं और बुजुर्गों का इस्तेमाल भी करता है।